फादी के कजन हो ना अब्बा जी? अब्बा जी उस दिन वहां पे मौजूद था। निकाले इसे यहां से प्लीज, फौरन इसको यहां से निकाले, तुम जाओ यहां से। अरे हूर हूर बेटा, इसकी बात तो सुन लो। मैं उसका कजन जरूर हूँ, लेकिन बाखुदा मैं उसकी तरह का बुरा इंसान हरगिज नहीं हूँ। अगर तुम उसके जैसे नहीं हो तो क्या लेने आए थे मेरे घर पे? तुम उसकी मदद करने आए थे ना, मारने आए थे ना तुम मुझे? कसम ले ले मुझसे, मैं आपको बचाने के लिए आया था। चलिए हम मान लिए कि आप हूर जी को बचाने के वास्ते आए रहे, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद आप कहाँ गायब थे, कहे इतना अरसा गायब रहे? हूर जी और फहद को जब गोली लगी तो मैं डर गया था। और तुम्हारे इस डर की वजह से मेरा बेटा सलाखों के पीछे चला गया। यही बात तो मेरे जमीर पर बोझ बन गई थी। जब से मुझे पता चला है कि शौकत भाई मेरी वजह से फंसते जा रहे हैं, मुझे एक पल भी चैन नसीब नहीं। ना दिन को कहीं सुकून मिलता है, ना रात को ठीक से नींद आती है। तो अब तुम गवाही दोगे उसके खिलाफ? सिर्फ यही वजह नहीं है, मेरा अपना गर्ज भी शामिल है। गर्ज? तुम्हारा इसमें क्या गर्ज है? मेरी मंगेतर दानिया का कत्ल भी फादी ने किया था। उस कमीने ने मेरी दानिया। बहुत ही कोई कमीना इंसान था। दानिया ने किसी से कुछ नहीं कहा और खुदकुशी कर ली। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो दानिया ने ये सब कुछ किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सब उस फादी का किया धरा है। मैं उस दिन भी आप ही को बचाने उसके पीछे आया था, लेकिन मेरे देखते ही देखते वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है कि आपको उसके मरने का बहुत ही अफसोस है। हरगिज नहीं दादी, उसे तो मरना ही था, लेकिन उसके साथ साथ जब हूर जी को भी गोली लगी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो अब तुम गवाही दोगे उसके खिलाफ? जरूर दूंगा, और यही बात बताने के लिए आया हूँ कि मैंने वकील से ही बात कर ली है और इंशाल्लाह शौकत भाई बाइज्जत बरी हो जाएंगे बहुत जल्द।